आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो इस वक्त आपके जो पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं और कई सारे कोर्सेज का जो एग्ज़ाम है वो आपके 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे इससे पहले आपके लिए एक नोटिस जारी किया गया है जहाँ पे आपके पेपर को स्थगित किया जा रहा है। और ये नोटिस सभी को देखना और सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर आपका स्थगित किया जा रहा है वो सभी पेपर आपके स्थगित नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर केवल आपके 11 जनवरी का जो पेपर है वो स्थगित किया जाएगा। तो इसलिए बाकी जितने भी अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम 11 जनवरी को नहीं है, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे केवल आपके 11 जनवरी के जो पेपर हैं वो स्थगित किए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि आपके 11 जनवरी के जो सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसको आयोजित होना, इस कारणवश आपके जो पेपर हैं वो स्थगित किया जा रहा है। इसको लेकर दोबारा से जो आपके लिए एक रिवाइज टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया गया। तो पूरी पीडीएफ फाइल को हम टेलीग्राम पर तो शेयर कर ही देंगे, इसके साथ ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ से कंफर्टेबल हो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल उसी टाइमिंग पे करवाए जाएंगे, उसी परीक्षा केंद्र पे करवाए जाएंगे जहाँ पे आपके बाकी जो पेपर करवाए गए हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। बस जो डेट है उसमें परिवर्तन किया गया कि आपके पेपर 11 जनवरी को ना करवा के 14 जनवरी को करवाए जाएंगे। बाकी जितने भी अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो एग्ज़ाम आपके 16 जनवरी से करवाए जाएंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो जैसे का तैसा ही है। बस यहाँ पे जो 11 जनवरी का पेपर है वही स्थगित किया गया। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जिनका भी पेपर 11 जनवरी को है। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दें।